नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल ए बी टेक में और मैं हूँ ब्रजेंद्र। दोस्तों आज है 28 जनवरी और 28 जनवरी की प्रमुख खबरें जान लेते हैं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों आज की जो पहली खबर है वो है डाइट प्रवक्ता रिजल्ट को लेकर के। दोस्तों लोक सेवा आयोग ने कल सोमवार को डाइट प्रवक्ता का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसमें 71 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। इसमें 15 SC अभ्यर्थियों को, 1 ST, 20 OBC और 35 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। ये जो रिजल्ट है आयोग की वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से जा कर के आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगली जो दोस्तों न्यूज है वो है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। 69,000 शिक्षक भर्ती को एक साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और अभी तक इसका आंसर की और रिजल्ट जारी नहीं किया गया। मामला आप लोग जानते हैं, लखनऊ डबल बेंच में विवादित है, चल रहा है, वहाँ पर सुनवाई चल रही है और दोस्तों आज भी यहाँ पर सुनवाई होनी है। आप लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 6 हफ्ते के अंदर ये भर्ती प्रक्रिया शुरू किया जाए और 6 महीने के अंतर्गत पूरी कर ली जाए भर्ती। ठीक है, तो आज इस केस की सुनवाई होनी है लखनऊ डबल बेंच में। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेटस दिया गया है, जो कॉज लिस्ट है उसके बारे में बताया गया है कि जो अपना केस है आज एडिशनल कॉज लिस्ट में लगा हुआ है सीरियल नंबर 1 पर। कुल मिलाकर के 18 फ्रेश केसेस सुनने के बाद एडिशनल में पहले नंबर पर ही केस है, तो 2/15 से सुना जाएगा केस। तो केस अब जल्द ही फाइनल होने की तरफ अग्रसर है। उम्मीद है कि जल्द ही इस केस का निस्तारण होगा, जल्द ही ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा। जैसा कुछ दोस्तों अपडेट होगा इस सुनवाई का, आपको शाम तक आने वाले वीडियोस में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप लोग चैनल के साथ लगातार बने रहें। अगली दोस्तों न्यूज है वो है शिक्षकों को ट्रांसफ़र को लेकर के। शिक्षक तबादले को रिकॉर्ड पंजीकरण। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि बेसिक शिक्षा में शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहे थे। 20 दिसंबर से 20 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन होने थे, लेकिन शुरुआती दिनों में वेबसाइट में थोड़ा सा दिक्कत था, नेट की समस्या थी, नेट हर जगह बंद चल रहा था। इस वजह से इसकी डेट बढ़ा करके 28 जनवरी की गई थी। दोस्तों आज इसकी अंतिम तिथि है और अब तक 1 लाख से ज़्यादा पंजीकरण हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें बिल्कुल कंप्लीट की बात करते हैं तो 70,000 के आसपास शिक्षकों ने अंतिम रूप से आवेदन कर दिया है। आज भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पर आवेदन होने की संभावना है। ठीक है, इसी कड़ी में आगे जोड़ते हुए न्यूज़ देखें तो पहले ग्रामीण से नगर में तबादले होंगे, उसके बाद दोस्तों आपको भर्ती देखने को मिलेगी। आपको बता दें डॉक्टर द्विवेदी ने अंतर जनपदीय तबादले के बाद इस बार ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में भी तबादला करेंगे। ठीक है, इसके बाद बचे हुए पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। नगर क्षेत्र में शिक्षकों के करीब 12,000 पद खाली हैं। उन्होंने वर्ष 2021 के सत्र से बेसिक शिक्षा में भी NCERT का पाठ्यक्रम लागू करने का ऐलान किया है। तो NCERT का पाठ्यक्रम 2021 से लागू होगा और नगर क्षेत्र में जो पद खाली हैं और जो पद और खाली होने की संभावना है, इन सभी पदों पर तबादलों के बाद भर्ती की जाएगी। तो 12,000 पद यहाँ पर खाली होने की उम्मीद है, इन पर भी भर्ती आएगी। ठीक है, आगे देखिए उन्होंने कहा है कि इसी सत्र से प्रदेश में सरकारी प्री प्राइमरी कक्षाएं चलाई जा सकती हैं। कस्तूरबा विद्यालयों में छात्रों की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे और होमगार्ड की आदि की व्यवस्था है। तो दोस्तों फिलहाल यहां पर जो आपके लिए काम की चीज़ है वो है कि पहले ग्रामीण से नगर में तबादले होंगे, इसके बाद भर्ती होगी। इसी में आगे जो न्यूज है वो है कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को लेकर के। दोस्तों 150 से अधिक कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को इंटरमीडिएट स्तर का किया जाएगा। प्रदेश के कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को उच्चीकृत कर इंटरमीडिएट तक किया जाएगा। पहले चरण में 150 विद्यालयों को इंटर तक करने का फैसला किया गया है। दोस्तों जहाँ पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं और आसपास के 3 किलोमीटर के एरिया में कोई भी इंटर कॉलेज नहीं है, पहले उन कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को चुना गया है, पहले उनको उच्चीकृत किया जाएगा। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस के साथ CCTV से भी इनको लैस किया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल 150 जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय, इनका चयन हो चुका है, पहले चरण में इनको उच्चीकृत किया जाएगा। अगली दोस्तों न्यूज़ की बात कर लेते हैं, आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा 2016 को लेकर के अपडेट है। पेपर लीक मामले में अंतिम रिपोर्ट खारिज। दोस्तों पूरा मामला क्या है वो आपको बताते हैं।
विशेष एजीएम सुदेश कुमार ने 25 सितंबर 2016 को आयोजित आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा के दूसरे सत्र के पेपर लीक मामले में अंतिम रिपोर्ट खारिज कर दी थी। साथ ही उन्होंने इस मामले की अग्रिम विवेचना का आदेश दिया है। परीक्षा का आयोजन UP SSC ने किया था। वादी अमिताभ ठाकुर ने विवेचक की फाइनल रिपोर्ट को चुनौती दी थी। कोर्ट में कहा था कि आबकारी सिपाही भर्ती के 1:30 बजे के सत्र का पेपर व उत्तर व्हाट्सएप पर 12:51 बजे ही मिल गया था। लक्ष्मीकांत भारत यादव ब्रजेश यादव ने परीक्षा के पहले ही मोबाइल में प्रवेश पत्र का आना स्वीकार किया। जांच एजेंसी ने इन साक्ष्यों को दरकिनार करते हुए इस मामले में अंतिम रिपोर्ट भेज दी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा, प्रथम दृष्टया विवेचना में कमियां दिख रही हैं, साथ ही अंतिम रिपोर्ट खारिज करते हुए अग्रिम विवेचना करने के आदेश दिए गए हैं। तो ये दोस्तों अपडेट है। वहीं पर अगली न्यूज की बात कर लेते हैं तो निकायों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर सीधी भर्ती रुकेगी। दोस्तों निकायों में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती होती थी, जहाँ पर नगर पालिका आए, वहाँ पर दोस्तों अब भर्तियाँ रुकेंगी, खासकर आश्रित कोटे को छोड़ करके। ठीक है, ये भर्तियाँ बाकी सब रुक जाएंगी। यहाँ पर धांधली का काफ़ी ज़्यादा न्यूज आ रही है, इस वजह से भर्ती यहाँ पर रुकेगी। दिया भी गया सीधी भर्ती में होता है खेल। नगर निगम अधिनियम और नगर पालिका परिषद अधिनियम में दी गई व्यवस्था के आधार पर निकायों में चतुर्थ श्रेणी का पद अकेंद्रित केंद्रीयत सेवा का माना गया। अधिनियम में दी गई व्यवस्था के आधार पर इन पदों पर भर्ती का अधिकार निकायों के पास है। इसके चलते हुए इन पदों पर भर्ती में धांधली की शिकायतें अक्सर मिलती रहती हैं, इसलिए इन पदों पर अब रोक लगेगी। अगली न्यूज की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 31 जनवरी को संशोधित उत्तर कुंजी UPTT परीक्षा 2019 की जारी कर दी जाएगी। ठीक है, अपने जितनी भी आपत्तियां भेजी हैं 17 जनवरी तक, उन सभी आपत्तियों का विषय विशेषज्ञों से निस्तारण कर लिया गया है और 31 जनवरी को इसकी संशोधित उत्तर कुंजी जारी होगी। दोस्तों आपको बता दें, इसका जो रिजल्ट है वो 7 फरवरी को आ रहा है। और दोस्तों इस बार आपको जो मार्कशीट है, प्रमाण पत्र है, वो 1 महीने के अंदर जारी कर दिए जाएंगे, तो ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और अंत में दोस्तों ये छोटी सी न्यूज है। दिया गया दुल्हन को सजाने के लिए शिक्षिकाओं की लगाई ड्यूटी, ABSA निलंबित। दोस्तों सिद्धार्थ नगर में 17 प्रसिद्ध स्कूलों के अध्यापिकाओं की ड्यूटी दुल्हन सजाने के लिए लगा दी गई। इस मामले में तूल पकड़ने पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने अफसरों से जवाब तलब किया। इसके बाद अध्यापिकाओं की ड्यूटी निरस्त कर दी गई। वहीं नौगढ़ ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी ध्रुव प्रसाद को निलंबित कर दिया। दोस्तों मामला यहां पर ये है कि सामूहिक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना था, उसमें ABSA ने शिक्षिकाओं की ड्यूटी लगा दिया था। मामला तूल पकड़ने पर ABSA को निलंबित कर दिया गया है। तो दोस्तों ये आज की प्रमुख खबरें थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके की खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।